हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इक्विटी फंड क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बाद बाजार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फंड इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड के बाकी अन्य फंडों से ज़्यादा मुनाफा देता है, और इसी कारण से लोग सबसे ज़्यादा इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन इक्विटी फंड में जितना मुनाफा है उतना नुकसान भी है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। दोस्तों, इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। इक्विटी फंड सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट की कंपनियों में पैसा निवेश करता है, और इसी कारण से इक्विटी फंड में मुनाफा और नुकसान दोनों ही जुड़े हुए हैं। लोग सबसे ज़्यादा इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन इक्विटी फंड में नुकसान भी उतना ही होता है, इसीलिए लोग इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से कतराते भी हैं। इक्विटी फंड को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, मिड कैप इक्विटी फंड, स्मॉल कैप इक्विटी फंड और लार्ज कैप इक्विटी फंड। दोस्तों, मिड कैप इक्विटी फंड का वह हिस्सा है जो कि शेयर मार्केट की उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कि मिड लेवल की कंपनियां होती हैं, जिनमें मुनाफा और नुकसान दोनों ही जुड़े होते हैं। इस प्रकार की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने पर नुकसान और मुनाफा दोनों ही बराबर का हो सकता है। मिड लेवल की कंपनियां अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करती हैं तो इन्वेस्टर का पैसा मिड कैप में डूब सकता है, लेकिन कई बार मिड लेवल की कंपनियां कुछ इस प्रकार परफॉर्मेंस देती हैं कि इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। दोस्तों, स्मॉल कैप इक्विटी फंड भी इक्विटी फंड का ही हिस्सा है जो कि छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करना एक जोखिम भरा सौदा साबित हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर छोटी कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाती है तो इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट से 50 गुना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की लागत कम होती है लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, लार्ज कैप इक्विटी फंड का वह हिस्सा है जो कि शेयर बाजार की उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है जो कि अपने क्षेत्र की टॉप कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां मार्केट में अपनी एक वैल्यू बनाकर रखती हैं, और इन कंपनियों में पैसा डूबने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन कंपनियों में पैसा डूबने की संभावनाएं कम होती हैं, उसी प्रकार इन कंपनियों से मुनाफा भी बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट की लागत ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप से भी कम मिलता है। दोस्तों, इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है, इसीलिए आपको कहीं और से इक्विटी फंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जहां से आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं वहीं पर आप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इक्विटी फंड के अंदर भी मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप इक्विटी फंड चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यह तय कर लें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड के साथ में जोखिम जुड़ा हुआ होता है। अगर आप जोखिम उठाने से नहीं डरते हैं और आपको नुकसान उठाने में भी कोई परेशानी नहीं है तो आप स्मॉल कैप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, लेकिन अगर आप ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और आप 50-50 वाली कंडीशन में हैं तो ऐसी स्थिति में आप मिड कैप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मुनाफा भी कम ही मिलेगा, लेकिन आपका जोखिम भी आधा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जोखिम बहुत कम उठाना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इक्विटी फंड में आपको जोखिम बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन इसी के साथ आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में मुनाफा भी कम ही मिलेगा। दोस्तों, इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट की तुलना में एक फ़ायदेमंद फंड है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। इसी कारण से अगर हम इसके फायदे की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप होते हैं, जहां पर आप अपने जोखिम की क्षमता के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने जोखिम को कम या ज़्यादा करके अपना मनचाहा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड का पैसा शेयर मार्केट में कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट होता है, और यही कारण है कि इसमें बहुत जोखिम होता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ही तेज़ी से आता है और इस कारण से इसमें नुकसान की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, इक्विटी फंड और म्यूचुअल फंड में एक सामान्य सा अंतर यह है कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए फंड हैं, लेकिन इक्विटी फंड अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है।
वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड अपना पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है, जैसे कि शेयर मार्केट, सिक्योरिटी बॉन्ड्स और अन्य सेक्टर। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना कम सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर हम रिटर्न्स के मुताबिक देखें तो इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना इक्विटी फंड क्या है और इक्विटी फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।